ये इधर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, अंतिम मुहर सीएम शिवराज लगाएंगे। तो वहीं स्कूल खोलने को लेकर कहा कि बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, 12वीं क्लास के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, किन चीज़ों की प्रायोरिटी दी गई है? फार्मूला विभाग ने तैयारी की, उसमें मंत्री समूह की सबकी जो राय थी, विचार थे, वो सारे सम्मिलित करके फाइनल डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। सर, कई दौर की बैठकें चली लेकिन आज क्या ये मान लिया जाए ये आखिरी आज के दिन फार्मूला तैयार हो जाएगा? नहीं, फार्मूला तो लंबे समय से तैयार हो चुका है, काफी समय से, लेकिन उसमें विचार विमर्श की प्रक्रिया है, कई सारी छूट जाती है, उनको सुझाव आए, उनको सबको सम्मिलित करके और कोशिश करेंगे कि आज तक हम उसको। सर, मध्य प्रदेश धीरे धीरे अनलॉक हो गया है, कॉलेज खुलने पर भी विचार हो सकता है, स्कूलों को लेकर क्या? कॉलेज की परिस्थितियाँ अलग है, वहाँ पर 18 से ऊपर के विद्यार्थी है और इसलिए उनको टीकाकरण का सारा काम चल रहा है और बाकी बचाव जल्दी हो जाएगा। हमारे पास 18 से नीचे के विद्यार्थी है, उनको टीकाकरण में कठिनाई है, अभी हम करा नहीं सकते हैं, इसलिए हम अलग से इस बारे में विचार करेंगे। सर, अभी क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी? अभी ऑनलाइन ही चलेगी। तो ये थे हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, जिन्होंने बताया कि 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है लेकिन जो आखिरी मोहर लगना है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाएंगे। कैमरा पर्सन लवनीत सैनी के साथ सदफ हामिद, न्यूज 24 भोपाल। तो सदफ हमारे साथ जुड़ी हुई है। सदफ, आपने बातचीत वहां पर की और आप क्या लग रहा है कि आप फॉर्मूला चूंकि तैयार है और आपने कहा पहले भी दो बार फॉर्मूले तैयार हुए थे लेकिन अंतिम मोहर नहीं लगी थी, इस बार कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि कॉन्फिडेंट है काफी यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह ही हमने बात की थी कि कई दौर की बैठकें चली लेकिन 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। हालांकि दो फॉर्मूले पर सहमति बनी थी लेकिन उसके बाद भी मंत्री समूह की बैठक हुई। जब हमने आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है लेकिन जो अंतिम मोहर है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाएंगे, क्योंकि आज मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है, मंत्री समूह के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक होगी, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा जाएगी जिसमें आखिरी मोहर जो होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाएंगे। फॉर्मूला सीएम शिवराज के सामने रखा जाएगा क्योंकि मंत्री समूह के बैठक में जितने भी विचार आए थे उन सभी में से एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है जो कि इंदर सिंह परमार ने हमें बताया है। फॉर्मूला तैयार है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अंतिम मोहर लगना बाकी है और स्कूल जब खुलने पर हमने उनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि कॉलेजेस खुलने पर जो बातचीत चल रही है हम अभी स्कूलों पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि स्कूलों में 18 से कम उम्र वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है तो वो इस पर विचार कर सकते हैं लेकिन स्कूल खोलने पर अभी कोई विचार नहीं किया जाएगा, फिलहाल क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे, अभी कोई विचार नहीं है स्कूल खोलने को लेकर।